A very good morning to all. You all are fit and fine at your home. And we are going to discuss miscellaneous exercise second. So miscellaneous exercise second के कुछ question बेटा हम लोगों ने last video में देखे थे. उन्हीं वही से continue करते हैं और चलते हैं question number 10 के. Question number 10 का 10. Originally वो question number 10 ही है. और उसका फिर से क्वेश्चन नंबर सब क्वेश्चन थे और दिया क्या था कि प्रूव दैट इसे शो करो इसे प्रूव करो. क्या प्रूव करना था? टैन स्क्वायर थीटा. नाउ सी व्हाट इज इन द क्वेश्चन. एलएचएस इन द फॉर्म ऑफ टैन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है बेटा. फिर आरएचएस को ऑब्जर्व करना और ये देखना कि आरएचएस में कौन होना. तो पता चला आरएचएस में एक साइन है और एक सिकेंट है. कोई दिक्कत नहीं. साइन तो हमारे पास ऐसे वैसे भी अवेलेबल है. हमारे पास कौन नहीं है तो सिकेंट नहीं. सिकेंट कौन दे सकता है? वेरी गुड. कॉस दे सकता है. यानी इसको लिखा साइन. ये टैन थीटा था तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा एंड माइनस बनाइए साइन स्क्वायर थीटा. दोनों के पास कॉमनली क्या चल रहा उसे बाहर ले लीजिए. सो साइन स्क्वायर थीटा दोनों के पास है. इन अ ब्रैकेट. व्हाट इज इन द ब्रैकेट? ब्रैकेट में क्या रहा बेटा? तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन. इसे ध्यान रखना. फिर से इधर उधर ऊपर नीचे करते क्योंकि हमें दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन रिक्वायर्ड. सो सी दिस इज एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा क्रॉस मल्टीप्लाइंग द टर्म. इट मीन्स वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड हैज अपॉन कितना तो कॉस स्क्वायर थीटा. चलो साइन स्क्वायर थीटा जैसे का वैसा इनटू फिर से वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और इसके अपॉन में है कॉस स्क्वायर थीटा. नाउ साइन स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा हाउ मच? साइन टू द पावर 4 थीटा. और जो ये अपॉन में है उसे कुछ इस अंदाज में लिखिए. सो वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा. आ रही बात समझ में? वन अपॉन कॉस स्क्वायर का मतलब होता है सिकेंड स्क्वायर. यानी साइन टू द पावर 4 थीटा इंटू सिकेंड स्क्वायर थीटा एंड दिस इज नथिंग बट द अवर रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड. नाउ सी टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन टू द पावर 4 थीटा इंटू सिकेंड स्क्वायर थीटा. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ. नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 11 सम वैल्यूज आर गिवन. बोल रहा है इसका स्क्वायर करो उसका स्क्वायर करो और फिर वो स्क्वायर वेयर होने के बाद हमको फॉर्मेट दे दो. टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस हाउ मच तो 7. नाउ लेट्स मूव. दिस इज अवर रिक्वायर्ड एलएचएस. एलएचएस में जो भी दो टर्म दिए है बोथ द टर्म्स आर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर. और ए प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर. क्या मतलब है? ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर. अगर ये है बेटा सो अकॉर्डिंगली फर्स्ट ब्रैकेट का एक्सपांशन क्या होगा वो देखिए. सो एक्सपांशन बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कितना तो कोसेक स्क्वायर थीटा. You get it my point? हो गया. उसके बाद सेकंड ब्रैकेट में भी हमें पता चल रहा वही टर्म्स आर बट कॉस थीटा प्लस सेकंड थीटा सो इट बिकम्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस थीटा इंटू सेकंड थीटा एंड प्लस हाउ मच तो सेकंड स्क्वायर थीटा जस्ट बाय यूजिंग द रिजल्ट फॉर ए प्लस बी होल स्क्वायर. नाउ अकॉर्डिंगली मूव ऑन डियर. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा
cosec theta, it means 1 upon sin theta plus cosec square theta. हो गई इतने terms. उसके बाद ये तो दो को अपन ने मिला के 1 लिखा लिया. Plus 2 cos theta into secant theta means 1 upon cos theta plus secant square theta. As usual, सबसे पसंदीदा कि जो जो टर्म सेम दिख रहे हैं, जो जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में अवेलेबल है उनको काट चार्ट करो. सो साइन थीटा गेट कैंसर, कॉस थीटा गेट कैंसर. व्हाट द टर्म्स आर लेफ्ट, 1 प्लस कौन बचा, 2 इनटू 1 2 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा. पर हमें कोसेक स्क्वायर थीटा आरएचएस में होना ही नहीं, तो क्या होना है हमें, हमें cot होना है. तो cosec square theta को लिख लेंगे 1 plus cot square theta plus फिर से 2 into 1 2 plus secant square theta के लिए की fundamental identity 1 plus tan square theta. चलो जिसके जिसके पास square है उसको उसको पहले ले लो. तो कौन कौन पहले आ जाएगा, सबसे पहले tan square theta, उसके बाद cot square theta, उसके बाद चलो एडिशन करो 1 plus 2 3, 3 plus 1 4, 4 plus 2 6, 6 plus 1 7 plus 7. क्या ये RHS है, तो no doubt यही RHS है. It means our question number 11 also proved by using the basic concept, basic fundamental identities of trigonometry. Now move to the next question. Question number 12. What values are given? देखिए बेटा power कितना दिया हुआ है, तो बहुत बड़ा power दिया हुआ. That is the power A. अभी before starting the proof of this question, just listen me. हमारे पास ये identity है. A to the power m to the power n. It becomes A to the power m n. जिन लोगों को 10th तक इंडाइसेस नहीं हुआ, उन लोगों ने ये छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट को कहीं ना कहीं पे नोट डाउन करके रखना, ठीक है ना. नाउ चलो LHS फॉर्मेट दे रही, साइन टू द पावर 8 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 8 थीटा. इतने बड़े पावर को कहां लेके जाएंगे, क्या खिलवाड़ करेंगे इसके साथ, तो बेटर वे इंडाइसेस यूज कर लेते. It means sin square theta to the power how much? So power 4. ये पहली term. अगर ये format में आपको पसंद ना, कि बोलना power 4 के format में और हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करा सकते, तो second option है आपके पास sin to the power 4 theta and then 8 square. आपको जो result आते हैं बहुत अच्छे से आप उसके अकॉर्डिंग लीजिए. उसके बाद माइनस cos टू द पावर 4 थीटा एंड अगेन इट्स स्क्वायर. हो गए दो टर्म. पर ये किस फॉर्मेट को लेके चल रहे, क्या ये किसी फॉर्म के साथ है, तो डेफिनेटली है. किस फॉर्म के साथ, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर? सो a प्लस b एंड सेकंड a माइनस b. Just compare value of A is equal to sin to the power 4 theta and value of B is equal to cos to the power 4 theta. ये छोटी छोटी चिल्लर चिल्लर चीजें समझना बहुत जरूरी है. देखिए A हो गया, B हो गया, अगर result को इसके साथ match कर रहे हैं, it means we are getting the two brackets accordingly sin to the power 4 theta plus cos to the power 4 theta. ये पहला ब्रैकेट हुआ. फिर और सेकंड ब्रैकेट के तरफ बढ़ते हैं, तो सेकंड ब्रैकेट क्या हो जाएगा, sin to the power 4 theta minus cos to the power 4 theta. ये स्टेप सबको समझ में आई, और थोड़ा सा आगे बढ़ते. नाउ सी पावर 4 के लिए भी कुछ ऐसा लिखा सकते sin square theta its whole square plus cos square theta
and its whole square. So it becomes a power 4. Now, यहाँ पे भी वही काम. Sin square theta then to the power 2 minus cos square theta and it's also power 2. बना लिए. अभी देखिए मेरे पास जो टर्म्स आई है वो आपका रिक्वायर्ड RHS नहीं. RHS किसी और ही अंदाज में चल रहा. तो क्या करेंगे बेटा, दो रिजल्ट यूज करेंगे. पहला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी. ये पहला रिजल्ट यूज होगा. और वैसे ही हम सेकंड रिजल्ट यूज करेंगे फिर से. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी. ये रिजल्ट को समझो, मैंने कौन से दो रिजल्ट. नाउ इन बोथ द केसेस द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा. यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा. एंड द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा. दिस टू आर अवर रिक्वायर्ड वैल्यूज. जैसे ही हो जाए फर्स्ट ब्रैकेट के लिए ये रेड मार्क वाला फॉर्मूला यूज करो. यानी क्या बनेगा देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड इट्स होल स्क्वायर पहला माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इट्स अ सेकंड वन. ये एक टर्म हुई, फर्स्ट फॉर्मूला हुआ फर्स्ट ब्रैकेट के लिए विच इज इन द रेड मार्कर. सेकंड फॉर्मूले के लिए ये ग्रीन मार्कर वाला रिजल्ट ले लो. यानी क्या बन जाएंगे हमारे ब्रैकेट, तो फर्स्ट ए प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. नाउ सी, पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना रे बेटा, तो ये वन. यानी ये बन गया वन स्क्वायर माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. दिस इज द फर्स्ट. इंटू व्हाट इज इन अ सेकंड ब्रैकेट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन इंटू इन अ ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. अभी आपको जो फॉर्म रिक्वायर्ड होगा वो फॉर्मेट में इसे डालिए. वन स्क्वायर हाउ मच, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा एंड इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज नथिंग बट द अवर रिक्वायर्ड आरएचएस. मिल गई आरएचएस इन द फॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सेकंड ब्रैकेट वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ. सी इन द क्वेश्चन नंबर 13, साइन टू द पावर 6a प्लस कॉस टू द पावर 6a इज इक्वल टू वन माइनस, कितना है वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर a प्लस थ्री साइन टू द पावर 4a. फिर से सोचो हमारे पास LHS में पावर कितनी आई है, तो 6 आई है. 6 पावर के साथ क्या कर सकते हो, तो या तो 3 इंटू 2 या फिर 2 इंटू 3, दोनों में से कोई भी एक अप्लाई कर लो यहाँ पे. तो हम लोग करा लेते बेटा इसे साइन स्क्वायर ए एंड देन इट्स क्यूब पहली टर्म हुई. सेकंड के लिए प्लस कॉस स्क्वायर ए एंड इट्स क्यूब. बन गई कहानी हमारी. देखिए ये रिजल्ट के साथ मैच होगा. एंड व्हाट इज द रिजल्ट फॉर ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब माइनस थ्राइस ए बी इन अ ब्रैकेट ए प्लस बी. यही फॉर्मूला है आपका. अभी ये फॉर्मूले के साथ अगर मैं इसे ट्रीट करूं तो फिर से वही क्लैरिटी होना चाहिए कि ए कौन और बी कौन. तो वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए
एंड द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए. हो गए दो वैल्यूज. अभी ये वैल्यूज डालिए हमारे टर्म्स में. सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू, देखो बेटा, ए प्लस बी बोल, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, फिर ए प्लस बी का क्यूब बोल रहा, तो इसे क्यूब दे. देन माइनस, कौन है माइनस में, थ्री. ए यानी साइन स्क्वायर ए, बी यानी कॉस स्क्वायर ए, और ब्रैकेट में इनटू में कौन होना, ए प्लस बी, इट मींस अगेन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए. इतने वैल्यूज है बेटा, पर आइडेंटिटी क्या बताती है? आइडेंटिटी बताती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन, तो वन क्यूब माइनस थ्री साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, फिर से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वन. नाउ हमें तो पूरा साइन साइन ही होना, तो कोई बात नहीं, फिर से वन क्यूब वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर ए, देन इन अ ब्रैकेट हमें कॉस नहीं होना. और अगर हमें कॉस नहीं होना तो हम आइडेंटिटी लगा लेंगे कि कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर ए. अभी और आगे चले जाएंगे. सो दिस इज वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर ए इंटू वन, थ्री साइन स्क्वायर ए माइनस माइनस प्लस थ्री साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए साइन टू द पावर फोर ए, विच इज नथिंग बट अवर रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड, विच इज अवर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 30. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बढ़ते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एंड अवर क्वेश्चन नंबर 14 इज प्रूव दैट 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी होल स्क्वायर प्लस tan a minus tan b whole square, this value is equal to secant square a into secant square b. तो देखिए LHS में क्या होगा. First of all, writing the LHS, it's in the form of 1 plus tan a into tan b, its whole square, and plus tan a minus tan b, and this also having the square. अभी क्या करना है बेटा, तो फर्स्ट ब्रैकेट के लिए यूज करेंगे फॉर्म ए प्लस बी होल स्क्वायर का. क्या फॉर्मूला रे, तो ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर बन गया एक फॉर्म. फिर जब सेकंड की बात करेंगे, सेकंड इज इन द फॉर्म ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर, और ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर बन गए दो अलग अलग टर्म्स. अभी ये दो अलग अलग टर्म्स के साथ हमारी ओरिजिनल स्टेप कहाँ पे आएगी, तो वन प्लस ट्वाइस ए इंटू बी यानी टेन ए इंटू टेन बी प्लस बी स्क्वायर, और ये पूरा बी चल रहा यानी टेन स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर बी. हो गया याद. तो फिर सेकंड के लिए देखिए हमें कौन सा ब्रैकेट यूज करना है, तो प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, इट मीन्स टैन स्क्वायर ए माइनस टू टैन ए इंटू टैन बी एंड प्लस प्लस कितना रे, तो टैन स्क्वायर बी. देखिए क्या बेटा यहाँ पे क्या क्या कट सकता है, तो प्लस ट्वाइस टैन ए टैन बी माइनस ट्वाइस टैन ए टैन बी, इतना कट गया. बच्चा क्या वो अगर देखते हैं तो वन प्लस टैन स्क्वायर ए इंटू टैन स्क्वायर बी प्लस टैन स्क्वायर ए एंड प्लस टैन स्क्वायर बी. वैल्यूज को समझिएगा बेटा, अभी मैं क्या करा रही हूं, ये वन और ये प्लस टैन स्क्वायर ए, क्या बोला मैंने, वन प्लस टैन स्क्वायर ए, आइडेंटिटी देते हैं सिकेंड स्क्वायर ए की. समझ रही ना टर्म की, वन प्लस टेन स्क्वायर ए सिकेंड स्क्वायर, जो बच गया उसे ले लो. क्या बच गया, टेन स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर बी प्लस अगेन टेन स्क्वायर बी. सेकंड टू टर्म में से क्या बाहर आ सकता, क्या बाहर आएगा,
तो tan square भी, यानी ये secant square a, यहाँ पे बाहर आया tan square b, फिर इन द ब्रैकेट रहा tan square a और प्लस कितना, तो वन, देखिएगा बेटा फिर से, secant square a प्लस tan square b और वन प्लस tan square a का मतलब कितना हुआ, तो वन प्लस tan square a का मतलब हुआ secant square. फिर से क्या कुछ यहाँ से कॉमन निकल सक रहा, क्या आपके ये जो टर्म बचे यहाँ से कुछ कॉमन है, तो डेफिनेटली दोनों के पास secant square है, बुला लिया secant square a को बाहर, what is left in a bracket, इसका पूरा का पूरा secant square a बाहर है, यानी वन और प्लस उसके पास का tan square भी. फिर से secant square a keep as it is and 1 plus tan square b, it means secant square b which is our required right hand side. देख लो हमारी right hand side क्या थी, secant square a into secant square b, so this is our answer. Now move to the question number 15 and what exactly values are given in the 15. So बोल रहा 1 plus cot theta cosec theta upon 1 माइनस कॉट थीटा कोसेक थीटा, सेकंड कोसेक थीटा प्लस, जब भी ये प्लस माइनस के साथ वही वही टर्म प्लस माइनस में घूमते दिखे तो करना क्या बेटा, तो आपने जो फंक्शन सर, कौन से फंक्शन दिख रहे हैं आपको, कोसेक कॉट, तो उससे रिलेटेड जो फंडामेंटल आइडेंटिटी बनती है वो आइडेंटिटी को ले लो. क्या फंडामेंटल आइडेंटिटी, 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta, बन गया ऐसा. प्लस 1 की साइड ही शिफ्ट करा, तो प्लस 1 ने जब साइड शिफ्ट की तो वो क्या बनेगा, यानी cot square theta is equal to cosec square theta minus 1, बन गई ये टर्म. अभी 1 को क्या लिखेंगे, तो 1 को 1 का स्क्वायर लिखेंगे, इट मींस cot square theta दिस इज इक्वल टू cosec square theta माइनस 1 स्क्वायर. समझ में आ रही टर्म्स, अभी cot square theta का मतलब क्या हुआ, तो cot theta into cot theta हुआ, तो इसको लिख लिया हम लोगों ने cot theta into cot theta. फिर RHS में जो टर्म दिख रही, इट्स इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, आंसर क्या होगा रे बेटा, सो ए प्लस बी और सेकंड ब्रैकेट जाएगा ए माइनस बी. अभी कहीं ना कहीं पे आपको एक टर्म आगे पीछे ऊपर नीचे करनी ही पड़ेगी, जैसे अगर इसे ऑब्जर्व करें तो पता चल रहा ये 1 प्लस कॉट है, फिर प्लस कोसेक है, उसके बाद 1 माइनस कॉट है, फिर कोसेक है, यहाँ पे भी सेम वैसा ही हो रहा, तो एक एक कॉट यही पे रखना और मल्टीप्लिकेटिव सेकंड कॉट को शिफ्ट करा देना, यानी टर्म्स मे बी इन द फॉर्म ऑफ कॉट थीटा अपॉन, इसको इधर पलटा लो, सो कोसेक थीटा प्लस 1, ये पहली टर्म हुई. उसके बाद जब सेकंड टर्म के लिए बात करेंगे तो यहां से ये ब्रैकेट आ चुका है, कौन बचा इसके पास, तो कोसेक थीटा माइनस 1 और अपॉन में कौन, एक कॉट बचा है हमारा, वो अपॉन में आ जाएगा. फिर यूज करेंगे हमारे पास का 9 स्टैंडर्ड में का रेशियो एंड प्रोपोर्शनलिटी में के कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल. नाउ इसके पहले भी ये कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल के साथ आपको फेमिलियर किया गया था, फिर भी अगर अभी भी किंतु परंतु है रिगार्डिंग विद दिस, तो जस्ट सी क्या किया जाता है एग्जैक्टली. इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, दिस इज द रेशियो विच इज इन द प्रोपोर्शनैलिटी, सो देयरफॉर बाय यूजिंग द रेशियो एंड प्रोपोर्शनैलिटी वी आर गेटिंग ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी is equal to c plus d upon c minus d. अभी a कौन, b कौन, c कौन, d कौन, इतने terms सिर्फ यहाँ पे ले लो. Now see,
दिस इज अवर वैल्यू, बनेगी क्या, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा प्लस वन, यानी ये क्या लिखा गया, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी के लिए बेटा कॉट थीटा माइनस बी आने कोसेक थीटा प्लस वन, उसके बाद इज इक्वल टू जो कंपोनेंटो डिविडेंडो एलएचएस में हुआ है सेम कंपोनेंटो डिविडेंडो आरएचएस में ले लो, यानी बनेगा क्या हमारा कोसेक थीटा माइनस वन प्लस कॉट थीटा ए प्लस बी अपॉन कोसेक थीटा माइनस वन माइनस कॉट थीटा। नाउ दिस इज ऑल अबाउट अवर कंपोनेंटो डिविडेंडो रूल। नाउ अगेन ये ब्रैकेट को और ढंग से लिखते हैं बेटा, सो बन जाएंगे टर्म्स कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा प्लस वन अपॉन में जाइए ब्रैकेट को ओपन करना, सो बनेगा क्या कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा एंड माइनस वन, ऐसे टर्म्स हो जाएंगे हमारे, ये माइनस इधर इसको भी लगा माइनस इसको भी लगा, और आगे मूव ऑन होते हैं बेटा सेकंड साइड में ऑब्जर्व करो टर्म्स क्या क्या है तुम्हारे, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और माइनस चल रहा वन अपॉन अपॉन में क्या, तो कोसेक थीटा माइनस वन माइनस कॉट थीटा। अभी सवाल ये है हमारे पास दोनों साइड के डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर जो हमें रिक्वायर्ड है उसी फॉर्मेट में आए, सिर्फ किंतु परंतु किसके लिए चल रहा, तो किंतु परंतु चल रहा डिनोमिनेटर के लिए, फिर से जुगाड़ जमा लो बेटा, देखिए इसको जैसे के वैसा ही रखोगे आप, दैट इज कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा प्लस वन जैसा का वैसा रखा अपॉन डिनोमिनेटर में से माइनस को बाहर भेजो, जैसे ही आप डिनोमिनेटर में से माइनस को बाहर दोगे आपके ध्यान में आएगा पॉजिटिव टर्म जो है वो निगेटिव बनेगी और निगेटिव टर्म जो है वो पॉजिटिव बनेगी, यानी कोसेक थीटा प्लस वन, सेम ऐसा ही माइनस आरएचएस में से बाहर ले लो, इट मीन्स कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस वन अपॉन, यहां से भी अगर माइनस बाहर लू तो क्या बनेगा माइनस कोसेक थीटा प्लस वन प्लस कॉट थीटा, दोनों साइड कौन सा सिंबॉलिक फॉर्म है, तो बोथ द साइड विथ माइनस माइनस, तो माइनस माइनस गेट कैंसल, वी आर गेटिंग अवर रिक्वायर्ड फॉर्म कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा प्लस वन अपॉन, अभी ये ढंग से लिखो वन माइनस कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, कंपोनेंटो डिविडेंडो के हिसाब से चल रहे अपन, वो साइड में जैसा पैटर्न होना वैसा लिख लिए, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस वन अपॉन निगेटिव टर्म बाद में लिखना रिक्वायरमेंट के हिसाब से, सो कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा एंड प्लस कितना, तो वन, दिस इज अवर रिक्वायर्ड प्रूफ बाय यूजिंग विच प्रॉपर्टी, सो बाय यूजिंग रेशियो एंड प्रोपोर्शनैलिटी की कंपोनेंटो डिविडेंडो प्रॉपर्टी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेन थीटा प्लस सिकेंड थीटा माइनस वन, टेन थीटा प्लस सिकेंड थीटा प्लस वन इज इक्वल टू टेन थीटा अपॉन सिकेंड थीटा प्लस वन, फिर से यही ढूंढ लो बेटा कौन से दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सो वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू सिकेंड स्क्वेयर थीटा, हो गया ऐसा, फिर ये टर्म होने के बाद इसी को लिख सकते हो टेन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू सिकेंड स्क्वेयर थीटा माइनस वन, सिकेंड स्क्वेयर थीटा का मतलब आपके पास ये पैटर्न आ गया टेन स्क्वेयर थीटा सिकेंड स्क्वेयर थीटा माइनस वन स्क्वेयर, विच इज नथिंग बट द कैरी द फॉर्म ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर,
और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए क्या ये हुआ tan थीटा इंटू tan थीटा, ये हुआ secant थीटा माइनस वन secant थीटा प्लस वन, करा लिए प्रॉपर्टी को। उसके बाद इसी को लिख सकते हो tan थीटा अपॉन secant थीटा प्लस वन इज इक्वल टू secant थीटा माइनस वन अपॉन tan थीटा। ठीक है, ये एक रेशो मिल गया बेटा, इसे बोल देंगे नंबर वन। एक रेशो मिल गया जिसे नाम क्या दे दिया हम लोगों ने, नंबर वन। उसके बाद यूज कराते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी, और जैसे ही हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी यूज की, हमें पता चला हमें प्लस करना होगा और हमें माइनस करना होगा, तो टर्म्स कैसे बन जाएंगे, tan थीटा प्लस secant थीटा माइनस वन कंपोनेंडो डिविडेंडो, और नीचे tan थीटा ये जैसा का वैसा रखा, यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज की, सो secant थीटा माइनस वन प्लस tan थीटा अपॉन secant थीटा प्लस tan थीटा, और ये बन जाएगा प्लस वन बाय यूजिंग विच प्रॉपर्टी कंपोनेंडो डिविडेंडो। और यू कैन ऑल्सो बी सॉल्व दिस ऑल द टर्म्स बाय यूजिंग इक्वल रेशियो थ्योरम, जो कि नाइन्थ में हुए हैं शायद, और इन्हीं सब प्रॉपर्टीज आइडेंटिटीज के साथ आपको दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एज अ प्रैक्टिस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 18। नाउ हियर वी आर कंप्लीटेड अवर चैप्टर सेकंड with the two exercises and one complete miscellaneous, also MCQs are there. Now in the next video we are going to start our next topic, it's a trigonometry 2. और आज ही बता के रख रही हूँ बेटा, जैसे ही ये टॉपिक खत्म हो जाएगा then we are moving to solve, to prepare the question for the NDA examination.